हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरामैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे 2.3 का। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, फर्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। कल हमने बताया था कि फंक्शन कैसे बनता है। ये हम एक्स सेट ले लेते हैं, दिस इज वाई सेट। फंक्शन हमने क्या दिखाया था, एफ फ्रॉम, अगर हम एक्स टू वाई लेते हैं तो एक्स को हम बोलते हैं डोमेन एंड वाई इज कोडोमेन। ठीक है, फंक्शन कब बनता है, जब एक्स के एलिमेंट, हमने मान लिया कि इस सेट में एक्स आपके पास एक्स सेट का एलिमेंट है और हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। एफ इज अ फंक्शन, दिस इज अ एलिमेंट ऑफ एक्स एंड ये जो एलिमेंट है एक्स का, ये वाई में जाके किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट करेगा। ठीक है, हमने इसको क्या बताया था, ये आपके पास इमेज है एक्स की एंड एक्स इज़ अ प्री इमेज ऑफ वाई। अगर हम एक्स पे एफ अप्लाई कर रहे हैं तो वाई सेट में जाके क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स। हमने कहा कि हमने एक्स पे एफ अप्लाई किया और ये वाई सेट में जाके बन गया एफ ऑफ एक्स, यही आपके पास वाई होता है। हम फंक्शन लेके चलते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स कैसे होता है, x डोमेन का एलिमेंट है, f फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ जाके एसोसिएट होगा, सेट y में मिलेगा। f फंक्शन पे x, जो f फंक्शन है x पे अप्लाई कर रहे हैं तो f ऑफ x बनेगा और इस सेट का हम एलिमेंट ले लेते y, तो दोनों आपके पास इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ x हमारे पास कोई फंक्शन, लेके चलते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे करेंगे इसको, अगर आपके पास y या फिर f ऑफ x, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या तो y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x आ जाए, इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मीन्स अगर हम फंक्शन ले लेते हैं रियल टू रियल, रियल टू रियल यानी हमारी डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है। दिस इज रियल सेट एंड दिस इज ऑल्सो रियल सेट। हमने कहा कि y इक्वल टू एक्स, एक्स हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर कोई भी उठा सकते हैं, पूरी रियल लाइन पे जीरो, इधर आपके पास पॉजिटिव और इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, तो ये हमारी पूरी रियल लाइन है। इस पे आप कोई भी नंबर उठा के यहाँ पुट करके देख लीजिए x की वैल्यू। मैंने ले लिया कि x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेती हूँ, x मैंने 1 लिया, y की क्या आएगी, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इस रिलेशन से निकाल लीजिए y इक्वल टू एक्स। अगर x लेंगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ रही है। अगर x की वैल्यू मैं 5 लेती हूँ, 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास 5 आ रही है, 5 5 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आइडेंटिटी कैसे बना, इस सेट का भी वही नंबर, इधर भी जाके आपके पास वही नंबर आ रहा है कोडोमेन का भी। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपके पास फंक्शन आता है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, यानी खुद की ही इमेज खुद ही है। ठीक है, वन की इमेज वन और वन की प्री इमेज इज ऑल्सो वन, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, 1 2 3 4 जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, एंड दिस इज y एक्सिस पे, इधर पॉजिटिव होता है। हमने अभी बताया यहाँ पे x की वैल्यू 1, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की क्या आएगी, इज ऑल्सो 0 दिस इज। अगर x की वैल्यू मैं लेती हूँ माइनस वन किधर है, इधर आपके पास x एक्सिस माइनस का, -2 -3, इधर आपके पास y एक्सिस माइनस का हो जाएगा, -1 -2 -3 अप टू सॉन्ग। अगर मैं -1 लेती हूँ x की वैल्यू, तो कहाँ जाके y की वैल्यू भी आएगी, -1, तो ये यहाँ पे जाके मीट करेगा -1 एंड -1। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की भी 2 आएगी, देन दिस 3, तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा दिस। तो ये जो लाइन आपके पास बनेगी ये आ जाएगी y इक्वल टू एक्स, यानी कि ये ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो था ओरिजिन में से होके जाता है y इक्वल टू एक्स। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू हम लेंगे 0, तो y की भी 0, x की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो y की आएगी -1। ठीक है,
ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस वन ले लेती हूँ, एक्स की वैल्यू माइनस वन लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे माइनस वन, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी वन, माइनस इसका माइनस यहाँ से वन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ जाएगा इस तरह से, ये लाइन होती है y इक्वल टू माइनस एक्स, ये इसका ग्राफ होता है। तो एंटी फंक्शन हमारा ये बनेगा, ठीक है। अब आती है इसके डोमेन और रेंज की बात। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। अभी हमने कहा था कि ये सेट हमारा डोमेन होता है, ये सेट हमारा रेंज होता है। फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको हम y भी ले सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स। डोमेन का मतलब वो होता है कि x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूँ कि y मेरे पास मीनिंगफुल आ जाए। डोमेन इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज मीनिंगफुल। हमने कहा डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज़ का सेट जिसके लिए वाई मीनिंगफुल आ जाए। अब मीनिंगफुल क्या होता है, मीनिंगफुल का मतलब वाई की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू निकालते हैं अभी। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो आयोटा की टर्म आती है। आयोटा कब आता है, आयोटा आता है जब हमारे पास अंडर रूट में माइनस वन की टर्म आ जाती है, ये हमारा आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे पढ़ेंगे आप इसमें। एंड सेकंड इज जो आपके पास है इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। वाई हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स अगर एक्स की वो वैल्यू पुट करें जिसके लिए वाई हमारा रियल नंबर रियल लाइन पे से कोई भी जो आपके पास है, या ऐसे y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x की ऐसी वैल्यू पुट करो जिसके लिए y की वैल्यू रियल नंबर आ जाए, ठीक है, यानी कि मीनिंगफुल आ जाए। रियल नंबर का मतलब आपके पास जो भी अकॉर्डिंग टू फंक्शन रेंज या डोमेन चेंज होती रहती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं y इक्वल टू x। अब पूरी हमारे पास हमें नहीं पता ये रियल टू रियल है, y इक्वल टू एक्स केवल आपके पास फंक्शन दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स फंक्शन है। इसकी डोमेन बताइए और रेंज बताइए। डोमेन कैसे निकालेंगे, हमारे पास रियल लाइन होती है कंप्लीट, इसमें से हम क्या वैल्यू पुट करें कि मीनिंगफुल रहे y। तो x की वैल्यू पूरी रियल लाइन में से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर, माइनस के हों, रैशनल हों, इधर से माइनस के ले लेते हैं, प्लस के ले लेते हैं, तो कोई भी वैल्यू पुट कीजिए y की वैल्यू मीनिंगफुल ही आएगी, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज जब भी हम रेंज फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम y के जिसके लिए x मीनिंगफुल हो जाए, ठीक है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज मीनिंगफुल, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ से कि रेंज क्या होता है, वाई की वो वैल्यू पुट कीजिए जिससे एक्स की वैल्यू मीनिंगफुल आए, ओके। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वाई की भी हम क्या कर सकते हैं, पूरी रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स की भी रियल क्वांटिटी आएगी आपके पास। तो रेंज भी क्या हो जाएगी यहाँ से, रेंज ऑफ दिस फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू सी, c इज एनी कॉन्स्टेंट नंबर, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो एफ एक्स इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव, एनी नंबर एनी कॉन्स्टेंट। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस, x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाइए, y की हमारे पास क्या आएगी, ओनली c कॉन्स्टेंट। हमने मान लिया कि हमारे पास दे रखा है फंक्शन y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू टू, ये दे रखा है। x की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे पूरी रियल लाइन पे, ये हमारे पास पूरी रियल लाइन है, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू सॉन चलता रहेगा, वन टू थ्री फोर अप टू सॉन, कोई भी यहाँ पे हम ले लेते हैं, दिस इज़ टू। x की वैल्यू मैंने वन ली,
वाई की टू ही आएगी, क्योंकि इसमें चेंज तो हो नहीं सकता। एक्स की वैल्यू टू लेंगे देन वाई की टू, एक्स की वैल्यू थ्री लेंगे देन ऑल्सो वाई की टू ही रहेगी। माइनस के पॉइंट लेंगे तो भी वाई की टू वैल्यू रहनी है, ठीक है। तो इधर जाओ चाहे इधर जाओ, आपके पास क्या रहा है ग्राफ, इसका टू से होके जाएगी रियल लाइन। एक्स इज़ वन वाई टू, एक्स टू वाई दिस। अगर एक्स जीरो लेते हैं तो जीरो है हमारा वाई पे एक्सिस पे होता है, तो वाई की वैल्यू टू ही रहेगी। तो ये होता है कॉन्स्टेंट फंक्शन। दिस इज ये ग्राफ किसका बना है, एफ एक्स इक्वल टू टू का, ये इसका ग्राफ आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसकी डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन, डोमेन ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब हमने x की क्या क्या वैल्यूज पुट की जिसके लिए y हमारा मीनिंगफुल रहे। तो x हमने पूरी रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू उठा के रखेंगे तो y हमारा 2 ही रहेगा, यानी मीनिंगफुल ही रहेगा। तो डोमेन क्या बन जाएगी इसकी, ऑल रियल नंबर r लिख सकते हो या फिर इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकते हो, ठीक है। रेंज की बात करें, अगर हम रेंज लेके चलते हैं तो y की वैल्यूज क्या आ रही है, ओनली 2 आ रही है। एक्स की कोई भी वैल्यू लीजिए, वाई हमारा टू ही आंसर दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास ओनली टू। दिस इज द रेंज ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन। अगर हम सी लेते हैं तो डोमेन हो जाएगी यहाँ से, डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज इज सी, एक ही नंबर आएगा विच इज सी, किसकी रेंज में, कॉन्स्टेंट फंक्शन की रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, अगर हम इसको लिखें ए एक्स प्लस बी, लीनियर फंक्शन इज ए एक्स प्लस बी एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स की जो टर्म है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ए भी एनी रियल नंबर हो सकता है बट ए नॉट इक्वल टू जीरो हमें लेना है। बी जीरो हो सकता है बट ए को जीरो नहीं लेना। ये आपके पास होता है लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है डोमेन, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू दिस। एक्स की क्या वैल्यू पुट करें कि वाई हमारे पास मीनिंगफुल रहे, तो पूरी रियल लाइन में से हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वाई हमारा मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है। तो डोमेन हो जाएगी इसके पास, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। रेंज इज, रेंज जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, y माइनस बी इक्वल टू ए एक्स, बी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a से डिवाइड कर देंगे, y माइनस बी बाई ए। देन ये तो कॉन्स्टेंट है आपके पास, तो a हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो पहले से ही ले रखा है, a हमारा जीरो नहीं है। अगर a की वैल्यू हम जीरो रखते हैं, अगर यहाँ से हम a की वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो y की वैल्यू हम बाकी कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू मीनिंगफुल रहेगी। दिस इज ऑल्सो रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर इसको लिख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन, क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, जहाँ पे आपके पास y या फिर f of x इक्वल टू मोड ऑफ x दे रखा हो। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर हम माइनस टू का मोड लेते हैं तो टू यानी पॉजिटिव क्वांटिटी आती है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो टू, ठीक है। तो मॉडुलस का मतलब होता है कि नेगेटिव अगर आप लेते हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाती है। यहाँ से अगर हम देखते हैं इसकी फंक्शन इज दिस, डोमेन निकालते हैं, x की कोई भी पूरी रियल लाइन में से आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे देन y के हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आनी है। मान लिया मैंने x की और y का ग्राफ बनाते हैं, तो x हमने यहाँ पे ले लिया, y यहाँ पे ले लिया। x इज अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ, दिस इज माइनस वन, तो y की वन, x माइनस टू देन y टू, क्योंकि ये मॉडुलस होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी कर देता है। दिस इज माइनस थ्री, ये हो जाएगा थ्री। और अगर जीरो लेते हैं जीरो पे, y भी जीरो। अगर हम x की वैल्यू वन लेंगे तो y वन, टू लेंगे तो y टू। इस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, ग्राफ बना के देखते हैं कैसे बनेगा। जीरो पे वैल्यू, यहाँ पे हमारा जीरो जीरो पॉइंट होता है, ओरिजन होता है, जीरो पे वैल्यू दे रहा है जीरो, ठीक है। वन टू थ्री फोर, इधर ये नेगेटिव नंबर एंड दिस इज वन टू थ्री फोर अप टू सेवन। वन
x की वैल्यू माइनस थ्री, वाई प्लस थ्री, माइनस थ्री एंड प्लस थ्री यहाँ पे जाके मीट करेगा। माइनस टू तो y की वैल्यू टू आ रही है, x की वैल्यू माइनस वन ली तो y की वैल्यू वन आ रही है, एंड ज़ीरो लेंगे तो ज़ीरो आ रही है। इन पॉइंट्स को मीट कर देंगे। अगर हम पॉजिटिव साइड देखते हैं, x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू वन, टू है तो y की वैल्यू टू, थ्री है तो y की वैल्यू थ्री। अब तो सोन इस तरह से आपके पास ग्राफ बनता जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास। दिस इज़ ये ग्राफ किसका है आपके पास, y इक्वल टू मोड ऑफ x, यानी कि मोडुलस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, अब हमने क्या किया, x की तो हमने सारी वैल्यूज़ ली है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ऑल्सो इंक्लूड, तो x की कंप्लीट वैल्यू ली है, तो पूरी रियल लाइन। तो हमने क्या कहा था, डोमेन क्या होता है, हम x की वैल्यूज़ देखते हैं, क्या पुट करें कि y हमारा मीनिंगफुल रहे, तो यहाँ से आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स मीन्स r। ठीक है, और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो y की वैल्यूज़ क्या दे रहा है, मॉडुलस फंक्शन, y की वैल्यूज़ क्या आ रही है हमारे पास, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि जो हमने y देखा है, y का ग्राफ देखो सिर्फ पॉजिटिव साइड बन रहा है, नेगेटिव साइड कोई हमारे पास कोई लाइन नहीं गई। तो x की चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, y हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, अच्छे से समझना है इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या है, दिस मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर n, मान लिया कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास n आ रहा है, और वो कैसा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि लेस देन इक्वल टू होगा x के। फॉर एग्जांपल देखिए उससे समझ में आएगा, मान लिया मैंने ले लिया x की वैल्यू 2.5, ये हमारी रियल लाइन होती है, 0, 1, 2, 3, 4 up to 7, -1, -2, -3 up to 7। हम 2.5 कहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारा है 2.5। हमने कहा कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, कैसा, जो या तो x के इक्वल हो या x से छोटा हो। अब 2.5 हमारा ये आ रहा है, या तो इसके इक्वल हो सकता है, हमने इंटीजर बोला है और इंटीजर पॉइंट में नहीं होता तो इक्वल तो नहीं आ सकता। हमने क्या कहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर हमारे पूरे पूरे नंबर होते हैं, पॉइंट वाले नहीं होते, वन टू थ्री फोर और इधर से जीरो माइनस वन माइनस टू अप टू सेवन, ये इंटीजर होते हैं हमारे। ठीक है, अगर मैं 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करूँगी तो इससे लेस देन इक्वल चलना है आपको, बट इक्वल उस कंडीशन में आएगा जब आपके पास इंटीजर आ जाएगा, तो ये इक्वल तो नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। तो इससे छोटा सबसे, इसे देखो, इससे छोटे तो बहुत सारे इंटीजर हैं, 2.5 से छोटा 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 अब तो सन बहुत सारे इंटीजर हैं, बट हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। इससे छोटे सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा कौन है, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। समझ गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं जो कि x से छोटा हो या फिर इक्वल आ जाए। इक्वल किस कंडीशन में आएगा, मान लिया मैंने 5 ले लिया, ठीक है, 5 इज ऑल्सो इंटीजर, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 5 ही आ जाएगी क्योंकि इससे छोटा, इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर हैं, बट 5 इज ऑल्सो, और हम इक्वल भी ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ओपन करेंगे तो हम इक्वल भी ले सकते हैं, और उससे छोटे किस कंडीशन में लेंगे, जब हमारे पास पॉइंट में दे रखा होगा। तो इक्वल कब आएगा, जब ये खुद इंटीजर होगा तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें निकालना है माइनस के पॉइंट में, मैंने ले लिया -1.5 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, 1.5 किधर बनेगा, -1.5 दिस इज। ठीक है, अब माइनस के पॉइंट्स, ये सबको पता होगा कि इधर जैसे जाते हैं लेफ्ट साइड को हमारी वैल्यू छोटी होती जाती है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें, बाय डेफिनेशन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है या तो इक्वल हो या लेस हो।
अब माइनस 1.5 से छोटा इंटीजर किधर वैल्यू जा रही है आपके पास, दिस इज माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, अब तो सॉन्ग या तो इसके इक्वल वैल्यू आए या फिर इससे छोटी वैल्यू आए। मीनिंग होता है कि इससे हमारी छोटी वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट में है 1.5 तो इटसेल्फ तो आएगा नहीं, इंटीजर होता है यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे माइनस 2 होता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 ही आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपके पास इंटीजर नहीं है तो इससे छोटी वैल्यू देखो, इससे छोटी वैल्यू कौन है, माइनस 2, इससे छोटी वैल्यू माइनस 3 भी है, बट हमें इन दोनों में जो बड़ा इंटीजर होगा वो उठाना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है 2.5 में हमारा 2 आ रहा है और माइनस 1.5 में माइनस 2 आ रहा है, क्योंकि माइनस 2 वैल्यू 1.5 से माइनस 1.5 से छोटी होती है, ठीक है। तो इससे तो हमारा लेस आई गया इंटीजर, इसे जस्ट बाद जो इंटीजर होता है वही उसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। एक एग्जांपल और देखिए, अगर हम लेते 0.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0.5 इज दिस, ठीक है। 0.5 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, 0, इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अगर हम माइनस में देखें, -3.7, अगर -3.7 का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो किधर जाएंगे हम, दिस इज -4, -3.7 इज दिस, ठीक है। देन इसे छोटा इंटीजर जाना है, जैसे ही आप राइट साइड को जाओगे ये इससे बड़ा इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे छोटा इंटीजर कौन बना, दिस इज -4, तो ये आ जाएगा -4, वैल्यू देगा दिस इज -4, ओके। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी, जैसे हम एक जीरो से अगर हमारा एक्स लाई करता है, एक्स लाइज बिटवीन 0 के इक्वल या 1 से लेस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी। अगर x 0 के इक्वल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का 0 ही आ जाएगा, और अगर 0 और 1 के बीच में कहीं पे भी लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, तो मान लिया हमने यहाँ पे भी लाई कर रहा है, तो इसे जस्ट छोटा इंटीजर हमारा 0 होता है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 आएगी, ठीक है। अगर आपके पास x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 आएगी, इक्वल 1 और 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 2 पे हमने स्ट्रिक्टली लेस लिया है तो 2 से छोटी क्वांटिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 1.8, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू x। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखो और बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो अगर हम इसकी डोमेन चेक करते हैं तो क्या आता है, मतलब हमने x के क्या क्या वैल्यू पुट किए हैं, x की वैल्यू हम पूरी रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, y की वैल्यू हमारी मीनिंगफुल रहेगी, ठीक है। तो डोमेन आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स आर। अगर हम रेंज की बात करें, y क्या वैल्यू दे रहा है x की ऑल रियल नंबर्स के लिए, y क्या वैल्यू दे रहा है, y सिर्फ इंटीजर दे रहा है। हमने कहा कि इसकी जो वैल्यू आती है इंटीजर, देखो कि किसी की भी वैल्यू देख लीजिए इंटीजर आएगी, फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा या फिर इंटीजर आ जाएगा, आंसर हमारा इंटीजर ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा एंड और इंटीजर, दिस इज ऑल इंटीजर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारा रेंज आएगी z के इक्वल, तो इसकी रेंज होती है z, डोमेन होता है ऑल रियल। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, डिफाइंड एज, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास फंक्शन, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए इससे से पता चल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट, नाम भी क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, दैट मीन्स पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 0.8, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फ्रैक्शनल, इसका सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालती हूँ, दिस इज़ क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है इससे छोटा इंटीजर, तो 0.8 से छोटा इंटीजर कौन है, जस्ट लेस देन इंटीजर। ऐसा नहीं है कि इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर हैं, बट जो इससे छोटा होगा हमें सिर्फ वही इंटीजर देखना है। यहाँ हमारा 0.8 आएगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 0 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। वैल्यूज पुट कीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू 0.8, इसको आप f ऑफ 0.8 भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमने 0.8, ये y के इक्वल रहेगी, x की वैल्यू 0.8 माइनस ऑफ 0,
0.8 में से 0 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 0.8। कैसा अब आंसर किस में आया, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन कैसे, इसको लिख सकते हो 8/10, दिस इज 4/5। ठीक है, तो बाय नेम ही पता चल रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट में आपके पास क्या आएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे इसकी, डोमेन x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो आप जिसके लिए y मीनिंगफुल रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डोमेन रेंज के लिए हम लाइन ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्स एक्सिस पे, और इधर नेगेटिव हो जाएंगे, दिस इज़ वाई एक्सिस। अभी हमने कहा कि एक्स के हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू हमारे पास मीनिंगफुल रहेगी, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। रेंज कैसे देखेंगे, यहाँ से हम एक्स की कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, वाई की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 5.3, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालिए। फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से देखिए, वाई इक्वल टू एक्स 5.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.3, दिस इज 5.3 माइनस 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इससे छोटा जस्ट छोटा इंटीजर, दिस इज 5। हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, 5.3 में से 5 माइनस करेंगे 0.3। तो कभी भी आप फ्रैक्शन निकालोगे, आपके पास वैल्यू कुछ भी हो, माइनस की हो, प्लस की हो, कुछ भी हो, जो वाई की वैल्यू बचेगी वो आपके पास 0. something आएगी। तो इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, मीन्स इसकी वैल्यू 0 और 1 के भी, 0 भी आ सकती है और 1 से लेस रहेगी, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 1 0 आ सकती। सिग्नम फंक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं साइन फंक्शन। डिफाइन कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स पॉजिटिव है तो 1 वैल्यू देगा, एक्स की वैल्यू को 0 ले लेंगे तो 0, और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो -1 वैल्यू आएगी फंक्शन की। ठीक है, देन अगर हम इसके डोमेन देखें, एक्स की हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, एक्स की 0 ले रहे हैं, एक्स की -1 ले रहे हैं, तीनों के लिए हमारा वाई डिफाइन कर रहा है, 1, 0, -1 रियल नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। अगर रेंज की बात करते हैं तो ऑल रियल नंबर्स पे एक्स की सारी वैल्यूज़ पे वाई क्या वैल्यू दे रहा है, सिर्फ 1 दे रहा है, 0 and -1, तो रेंज हो जाएगी -1, 0 and 1, दिस सेट ऑफ 3 नंबर्स रेंज ऑफ दिस। लास्ट है आपके पास पावर फंक्शन, पावर फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, वाई इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, एक्स की जो भी आपके पास एक्स की पावर में चलेगा ये होता है पावर फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्स की वैल्यूज रखते जाइए, वाई की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या आएगा, एक्स की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम रेंज देखें यहाँ से, देन एक्स की वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ले रखा है, दिस इज़ अ पावर फंक्शन, एक्स की पावर चल रही है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू हमने रियल नंबर यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव 0 जो भी रखोगे, वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगी। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी आपके पास क्या चल रहा है, पावर फंक्शन। तो इसमें जो है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग, मान लिया मैंने वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, इस फंक्शन की डोमेन तो होगी रियल नंबर, बट अगर मैं रेंज देखूंगी यहाँ से, तो अगर मैं एक्स की नेगेटिव वैल्यू रखती हूँ, मान लिया मैंने -2 ले लिया, तो -2 का स्क्वायर इज 4, वाई वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव, तो इसकी रेंज आ जाएगी
ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। कब? जब फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। पावर फंक्शन में जो रेंज, इसकी रेंज वो चेंज होती रहती है। कैसे? अगर मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेती हूँ, तो x की अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूँगी तो y भी नेगेटिव वैल्यू देगा। माइनस वन की क्यूब क्या बनेगा? दिस इज माइनस वन। और अगर x के हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू 2 की पावर 3 इज 8, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर, डोमेन तो ऑल रियल नंबर रहेगी। और y की अगर हम देखेंगे तो y की भी हमारे पास रेंज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो है वो रेंज में सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो इसकी फंक्शन की रेंज आ जाएगी यहाँ से ऑल रियल नंबर, डोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस? ये आपके पास रिलेशन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन बनेगा। गिव रीजंस, अगर फंक्शन बनता है तो रीज़न दीजिए। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फंक्शन बनता है तो भी रीज़न दीजिए, नहीं बनता है तो भी रीज़न दीजिए। और आपको अगर फंक्शन बन जाता है तो उसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है। फर्स्ट इज़ रिलेशन दे रखा है 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1। इन ऑर्डर्ड पेयर्स में फंक्शन कब बनता है? जो फर्स्ट कंपोनेंट को चेक करते हैं, अगर ये सेम आ जाता है, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट अगर इक्वल आ जाता है, सेम आ जाता है, तो वो हमारा फंक्शन नहीं बनता। अब हम इसमें चेक करते हैं फर्स्ट में, तो 2, 5, 8, 11, 14, 17 सारे के सारे आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा फंक्शन बनेगा, दिस इज़ अ फंक्शन। और रीज़न क्या देंगे हम इसका? नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ये हमारा रीज़न हो जाएगा कि ये हमारा फंक्शन कैसे बन रहा है, कि इनका जो पहला कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, दीज आर ऑल आर डिफरेंट। अच्छा जी, अब आपको बताना है इसका डोमेन, फर्स्ट की डोमेन। डोमेन कैसे बताते हैं हम? जो फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो हमारा रेंज होता है। तो डोमेन में क्या आ जाएगा? 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। और अगर हम फर्स्ट की इसके रेंज बताएंगे तो रेंज में देखिए हमारे पास 1, 1, 1, 1, सब में 1 आ रहा है, ओनली 1 एलिमेंट। 1 को हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये आप सेट में पढ़ चुके हो कि किसी भी नंबर को हम रिपीट नहीं करते हैं, दिस इज़ द रेंज। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 एंड 14, 7। यहाँ से ही फर्स्ट कंपोनेंट चेक करते हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो ये भी हमारे पास फंक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ से भी हम सेम रीज़न देंगे, और इसकी डोमेन अगर बतानी हो आपको तो डोमेन क्या आ जाएगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और अगर हम इसकी रेंज बतानी है, रेंज इज सेकेंड कंपोनेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है। पार्ट थ्री इज थर्ड पार्ट, 1, 3, 1, 5, 2, 5। क्या थर्ड पार्ट फंक्शन बन रहा है? फर्स्ट कंपोनेंट चेक करते हैं तो 1 और 1 सेम आ रहा है। टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, therefore it is not a function, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे it is not a function because two ordered pairs have same first component, ठीक है। ये फंक्शन नहीं बनेगा, तो डोमेन और रेंज भी नहीं बतानी। देन थर्ड सेकंड क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ डोमेन और रेंज निकालने होंगे क्वेश्चंस के। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-5। आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ एक्स दे रखा है 2x-5, हमें एक्स की जगह पे हमें देखो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, और हमें एफ ऑफ जीरो निकालना है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम एक्स को
ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स को ज़ीरो रखते हैं तो क्या आता है आपके पास, एफ ओ ज़ीरो की वैल्यू, बोथ साइड एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा एफ ओ ज़ीरो, एंड जो हमें वैल्यू चाहिए 2 × 0 − 5, 2 × 0 इज़ 0, आंसर आ गया हमारा −5। एफ ओ सेवन, देन एक्स को हम पुट करेंगे 7, एक्स की जगह 7 पुट करते हैं तो 2 × 7 − 5, दिस इज 14 − 5, देन 9। एफ ऑफ −3, एक्स को हम अगर −3 रखेंगे तो एफ ऑफ −3 की वैल्यू आ जाएगी 2 × −3 − 5, दिस इज −6 − 5, दिस इज −11। द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट इज डिफाइंड बाई, टी ऑफ सी आपके पास गिवन है, आपको फाइंड करना है टी ऑफ ज़ीरो। टी ऑफ ज़ीरो मतलब हमें सी की जगह पे क्या पुट करना है, यहाँ पे ज़ीरो पुट करना है, तो सी को रिप्लेस कर दीजिए ज़ीरो से, तो 9 × 0/5 + 32 ये आ जाएगा आपके पास 0 + 32, दिस इज आंसर इज 32। टी ऑफ 28, सी को हम 28 रख देंगे यहाँ पे, सी को 28 रखोगे 9 × 28 / 5 + 32, इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम टू सेम टी को −10 दे रखा है, सी को पुट करेंगे यहाँ पे −10, ठीक है, तो सी को −10 रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आंसर। द वैल्यू ऑफ सी वन टी ऑफ सी इज़ 212, हमें वैल्यू ऑफ सी चाहिए, ओके तो सी की वैल्यू हमें और वैल्यू दे रखी है टी ऑफ सी, तो टी ऑफ सी की वैल्यू रख दीजिए 212, दिस इज इक्वल टू 9c / 5 + 32, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी 9c / 5, दिस इज इक्वल टू 212 − 32, 9c 5 इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, 0, 9, 8 and 1, 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 5 × 180/9, ये इसको डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके पास क्वेश्चंस 1, 1st, 3rd and 4th, इसके जो बाकी क्वेश्चन रह जाते हैं 2nd and 5th क्वेश्चन के हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, एंड इट्स एग्जांपल, इसके एग्जांपल भी कवर करेंगे जिसमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, और अदर भी क्वेश्चन देखेंगे, अगर डोमेन रेंज के मिल जाते हैं तो उससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।